नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारा एक यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, जिसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को फॉलो करें, और हमारा फेसबुक ग्रुप है कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, इससे जरूर जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हमारे बीच एक ऐसे छात्र मौजूद हैं जिन्होंने अपनी और अन्य छात्रों की समस्याओं को स्वरचित कविता के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है और उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं हरे राम कुमार जी से और जानते हैं इनकी छात्र जीवन की कहानी इनकी जुबानी। हरे राम जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं डॉक्टर रोशन सर और केवी स्टूडियो के पूरे परिवार को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग जिस तरह से युवाओं की आवाज़ को प्रखर करने में अपना योगदान देते हैं जी, वह काफ़ी सराहनीय है। इसके लिए आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे राम जी, मैं आपके पैतृक गांव और आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जानना चाहूँगी। जी, मेरा पैतृक गांव बरी सांख पड़ता है, जो रजौरा से 2 किलोमीटर पूर्व है, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं के मध्य विद्यालय से हुई है। उसके बाद मैंने SSRR हाई स्कूल रजौरा से 10वीं पास किया। उसके बाद मैं RCS कॉलेज मंझौल से इंटर किया जी। और ग्रेजुएशन के लिए मैंने GD कॉलेज से ग्रेजुएशन और स्नातकोत्तर में यहाँ से पढ़ाई की है जी। GD कॉलेज से मैं अभी वर्तमान में GD कॉलेज का ही छात्र हूँ। MA मैं 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ, हिंदी से मैं MA कर रहा हूँ। हरे राम जी, आपका अभी एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है और हो भी रहा है, #बेगूसराय वांट्स दिनकर यूनिवर्सिटी, तो इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि जैसा कि पहले पता था हम लोग को कि 23 तारीख जो दिनकर जी का जयंती दिन है जी, उस दिन ट्विटर पे हमको इस चीज़ को ट्रेंड करना है। चूंकि दिनकर विश्वविद्यालय बेगूसराय में बननी चाहिए, हम लोग बहुत दिन से मांग कर रहे हैं। इस मांग को हम लोगों ने एक हथियार के रूप में सोचा, इस्तेमाल करेंगे दिनकर जी के जयंती के दिन जी। तो मैं भी सोचा कि मुझे भी ट्रेंड करना है, लेकिन 23 सितंबर जब वो दिन आया तो मेरे दिलो दिमाग में अचानक ख्याल आया कि मैं अपने तरीके से इसको, इस आवाज़ को उठाऊंगा। तो उसी दिन मैंने अचानक वह गीत लिखा और वो गीत गा दिया, और जैसे ही मैंने फेसबुक पे डाला, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं सबों का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को वो गाना सुनाएं। जी बिल्कुल। PG PhD करे खातिर दरभंगा नहीं जेबे, PG PhD करे खातिर दरभंगा नहीं जेबे, अब बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय बनबे बे, अब बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय बनबे बे, सभे गोटा एक साथ मिल के, सभे गोटा एक साथ मिल के ई आवाज उठेबे, अब बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय बनबे बे, अब बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय बनबे बे। और पहला जो मेरा दर्द है वह मैंने लिखा है कि दरभंगा यूनिवर्सिटी में नहीं छै कोई अपना हो, बेगूसराय में बनते विश्वविद्यालय यह ते छै एगो सपना हो, दरभंगा यूनिवर्सिटी में नहीं छै कोई अपना हो, बेगूसराय में बनते विश्वविद्यालय यह ते छै एगो सपना हो, हक अपन मांगे खातिर अब तनियो नहीं लजेबे, अब बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय बनबे बे, अब बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय बनबे बे। और दूसरी पंक्ति है जी कि कते दिना रहिए हमें सब खाली धीरज बांधी के, कते दिना रहिए हमें सब खाली धीरज बांधी के, अब नहीं मानबे जे होते देख लबे हर आंधी के, अब नहीं मानबे जे होते देख लबे हर आंधी के,
विश्वविद्यालय बना के यहाँ के मान बढ़ेब अब बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय बनबेब अब बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय बनबेब। और मेरी जो अंतिम पंक्ति है वह मैंने निवेदन के रूप में मैं जो वोट देता हूँ सांसद विधायक को उससे मैंने निवेदन किया है कि आप मेरी दर्द को सुनिए। संसद विधायक मंत्री बाबू सुनो न दुख हमार हो सुन ले दर्द हमार हो अहो मांगे नहीं छियो भीख तोरा से छिये हमर अधिकार हो छई हमर अधिकार हो आ तुई नहीं मन भोते दिल्ली तकी आवाज उठेब अब बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय बनबेब अब बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय बनबेब पी जी पी एच डी करे खातिर दरभंगा नहीं जेब अब बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय बनबेब अब बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय बनबेब। वाह, बहुत ही खूबसूरत पंक्ति, बहुत ही सुंदर रचना आपकी। और हमारे केवी स्टूडियो की तरफ से ज़रूर आपकी ये आवाज़ जो है हमारे दर्शकों तक, हमारे बेगूसराय की पूरी जनता तक और आगे तक भी जाएगी। हरे राम जी, आप एक विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, तो एक छात्र होने के नाते जो बेगूसराय के छात्रों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो बेगूसराय का जो आंकड़ा है जी, अगर हम सिर्फ जीडी कॉलेज की बात करें जी, तो यहाँ लगभग स्नातक और स्नातकोत्तर में 25,000 छात्राएं पढ़ते हैं जी। और पूरे बेगूसराय की अगर बात करें तो लगभग 1,00,000 छात्र छात्राएं यहाँ पे पढ़ते हैं जी। तो छात्रों के साथ समस्या ये है कि 3 साल ग्रेजुएशन और 2 साल एमए, इस दरमियान में कहीं ना कहीं मान लीजिए 4 सेमेस्टर का एमए होता है, 3 सेमेस्टर का आपका ग्रेजुएशन होता है, इस दरमियान में अगर आपको कहीं भी गलती हो जाए, मान लीजिए हमको कोई फॉर्म भरने में गलती हो गया चाहे और कुछ गलती हो गया, तो आपको उसके लिए सीधा जाना पड़ेगा दरभंगा, जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। और आप दरभंगा जाइए, सुबह सुबह खाना खाए नहीं खाए उससे कोई बहस नहीं है, 5 बजे सुबह उठे उसके बाद जाइए वहाँ का दरभंगा, जाइए ट्रेन पकड़िए, बस पकड़िए, वहाँ धक्का मुक्की कीजिए। और वहाँ जब जाइएगा आप जी, तो वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि आप मान लीजिए पहली बार गए हैं यूनिवर्सिटी, आपको कुछ पता नहीं है कि कहाँ पे क्या होता है, तो आप वहाँ से किसी को पूछ लीजिए कि सर हमको ये बताइए कि ये फलना चीज़ कहाँ पे होता है जी। तो वो आपको ऐसे देखेगा जैसे आपने उसकी दोनों किडनी मांग ली हो। अब बताइए बेगूसराय का बच्चा इस दुख को क्यों झेलेगा जी। और यही कारण है कि हम लोग बहुत दिनों से ये मांग कर रहे हैं कि बेगूसराय में दिनकर यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, ये बेगूसराय के छात्रों की समस्या है और आपको यह समस्या सुनना पड़ेगा, हर हाल में सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप दिनकर के नाम पे राजनीति करते हैं जी। आपको जब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है तो आप दिनकर जी के कविता गाते हैं, दिनकर जी की कविता लिखते हैं कि हम दिनकर के बेटे हैं। भाई आप दिनकर के बेटे हैं तो आप दिनकर के उस बेटे का भी दर्द सुनिए ना जो ये सब झेल रहा है। आपको जब अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी रहती है तब तो आप दिनकर के बेटे बन जाते हैं और यहाँ समस्याएं नहीं देख रहे हैं। तो ये सब जो समस्याएं हैं इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। तो हरे राम जी, तो एक विद्यार्थी होने के नाते आपके साथ ऐसा क्या वाक्या हुआ जो आपने कविताएं और दिनकर यूनिवर्सिटी की मांग के लिए आपने कविता जो लिखी है उसकी रचना की आपने? देखिए सबसे बड़ी बात तो है मेरे साथ 2 घटनाएं ऐसी है जी। पहली घटना तो मुझे इतना झकझोर दिया है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं जब इंटर में था तो मैं RCS कॉलेज मंझौल गया नामांकन के लिए जी। तो वहाँ पता चला यहाँ म्यूज़िक की पढ़ाई नहीं होती है, हमको म्यूज़िक में ही करियर बनाना था जी। म्यूज़िक अगर आपको पढ़ना है तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़िए या फिर RCSS कॉलेज एक भेटा में है वहाँ चले जाइए। तो उसमें भी अगर प्राइवेट कॉलेज से म्यूज़िक कर भी लीजिए तो पता चला स्नातक या स्नातकोत्तर करने के लिए आपको दरभंगा जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे ड्रामेटिक्स की भी पढ़ाई नहीं होती है, ड्रामेटिक्स भी अगर आपको पढ़ना है तो आपको दरभंगा ही जाना पड़ेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी बात तो ये समस्या है। और दूसरी बात, मैं जब 2018 में मैंने जब ग्रेजुएशन किया तो मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का मार्कशीट
एकदम सही तरीके से पहुंच गया, लेकिन पार्ट थर्ड का जो मेरा मार्कशीट था वो अभी तक कॉलेज में नहीं आया। तो मैं कॉलेज गया, जब मुझे पता चला कि आ गया है, सबका मार्कशीट आ गया है, तो मैं कॉलेज गया जी। तो हाँ, मैंने पूछा कि भाई मेरा मार्कशीट कहाँ है, तो उन्होंने कहा अभी आपका नहीं मार्कशीट आया है, आप कुछ दिनों के बाद आएँ। तीन चार बार मैं ऐसे 10 दिन बाद 20 दिन बाद करके गया जी। तो अंत में उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा मार्कशीट नहीं आएगा, तुम्हारा प्रमोटेड लगा हुआ क्या। मैंने कहा नहीं, मेरा तो प्रमोटेड नहीं है जी। मेरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों एकदम साफ है। तो उन्होंने कहा आपको दरभंगा जाना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों भाई, मैं क्यों दरभंगा जाऊँ जी, जब मेरा फर्स्ट ईयर क्लियर है, सेकेंड ईयर क्लियर है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने फॉर्म भरने में कोई गलती की या फिर कहीं और। उन्होंने कहा आपकी कोई गलती नहीं है, गलती यूनिवर्सिटी की है, लेकिन दरभंगा आपको जाना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों, गलती जब यूनिवर्सिटी की है तो यूनिवर्सिटी को चाहिए कि आपका मार्कशीट जो है यहाँ भेजें, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको दरभंगा जाना पड़ेगा। उसमें भी वहाँ दरभंगा जाइए और वहाँ जाके 250 रुपया का चलान कटाइए, पूरा दिन समय दीजिए, एक दिन में हुआ हुआ, नहीं हुआ तो फिर दोबारा जाइए, फिर वही प्रक्रिया। और सबसे बड़ी बात है मेरे साथ यह घटना घट रहा है, मेरे साथ यह घटना घटा है। तो चलिए, मैं एक छात्र हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं किसी प्रकार इस चीज़ को झेल सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए अगर मेरी बहन, अगर उसके साथ यह घटना घटता है जी, जी। घर गांव घर में किसके साथ क्या क्या परेशानी है यह हर कोई नहीं जानता, लेकिन वह एक छात्रा कैसे जाएगी दरभंगा, 100 किलोमीटर दूर वह बस पे चढ़ के भूखे पेट ट्रेन में चढ़ के कैसे जाएगी, उसको वहाँ ये भी पता नहीं है कि कहाँ पे क्या करना है जी। तो ये जो मेरा दर्द है, ये जो मेरी मांग है, इसीलिए हम लोग मतलब ये कर रहे हैं कि नहीं, हर हाल में विश्वविद्यालय बननी चाहिए, दिनकर विश्वविद्यालय बननी चाहिए बेगूसराय में जी। तो हरे राम जी, ये जो छात्रों के साथ जो परेशानी है, तो इसमें वहाँ के फैकल्टीज जो प्रोफेसर्स हैं उनकी कितनी योगदान है, कितना सपोर्ट करते हैं आप हमारे छात्रों को? देखिए, सपोर्ट तो मैं पूरे बेगूसराय के छात्र संगठन जो भी है जी, और जितने भी हमारे छात्र हैं और प्रोफेसर भी हैं, सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सब अभी एक साथ आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस संगठन से हैं तो हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम इस संगठन से हैं तो हम इसका समर्थन कर रहे हैं। सब एकता का परिचय दे रहे हैं, जो जिस भी संगठन से, सब अभी एकता का परिचय दे रहे हैं, और ये जरूरी भी है, और ये हम बेगूसराय वालों की एकता का मिसाल है कि हम सब लोग एक साथ आए हैं और एक साथ मिल के इस मांग को रख रहे हैं। और जब तक यूनिवर्सिटी हम लोग को नहीं मिलता है, हम लोग अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। बिल्कुल, और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी जी राम जी। मैं चाहूँगी कि आपकी और भी कोई रचनाएं हैं तो हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी बिल्कुल, मैं वैसे तो ज़्यादातर शायरी लिखने का शौकीन हूँ, मैं इस पे ज़्यादा शायरी लिखता हूँ, लेकिन एक दो गीत मैंने कॉलेज के टाइम पे ही एक गीत मैंने लिखा था हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर जी। उसमें भी वही मतलब कॉलेज में ही लिखा था और कॉलेज में ही सुनाया था। क्या बात है, तो मैं चाहता हूँ वो गीत आपको सुनाऊं। बिल्कुल, हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैंने लिखा था कि हिंदी का गुण ही गाऊं अरमान में यही है, हिंदी का गुण ही गाऊं अरमान में यही है, अफसोस क्या करूं मैं, मेरा ध्यान कुछ नहीं है, हिंदी का गुण ही गाऊं अरमान में यही है। और पहली लाइन है कि तन मन वचन ये सारी हिंदी की सेवा में ही लगाऊं, तन मन वचन ये सारी हिंदी की सेवा में ही लगाऊं, पर हाय बदनसीबी मुझे ज्ञान कुछ नहीं है, हिंदी का गुण ही गाऊं अरमान में यही है। और दूसरी पंक्ति मैंने लिखा है वहीं बैठे जब मैं बैठा हुआ था और हिंदी सम्मेलन का जो कार्यक्रम था वो चल रहा था, और मैंने देखा बहुत से छात्र छात्राएं जो है वो उठ के जाने लगे, इंटरेस्ट नहीं लगे, तो मुझे बहुत दुख हुआ। एज ए मैं हिंदी का खुद छात्र हूँ तो मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ, और मैंने उनसे एक निवेदन किया कि अपना कुछ समय भी हिंदी शरण में दे दो, अपना कुछ समय भी हिंदी शरण में दे दो, इससे बड़ा दुनिया में
दान कुछ नहीं है, हिंदी का गुन ही गाऊं, अरमान में यही है। और मेरी अंतिम पंक्ति है कि जब मौत मेरी आए हिंदी शरण में जाऊं, जब मौत मेरी आए हिंदी शरण में जाऊं, इसके सिवाय मालिक मेरा अरमान कुछ नहीं है, हिंदी का गुन ही गाऊं, अरमान में यही है। और अंत में मैंने कहा था कि हिंदी में मैं इस जग को हिंदी का गीत सुनाता हूँ, हिंदी में मैं इस जग को हिंदी का गीत सुनाता हूँ, बेटा ही मैं हिंदी का हूँ, इस बात से भी इतराता हूँ। क्या बात है, वाह वाह, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर पंक्ति। और मेरी दूसरी रचना है जी। मैंने पिछले वर्ष दिनकर जी के जयंती पर जी। उस दिन भी मतलब कोई प्लानिंग नहीं था कि हमको गीत लिखना है या फिर गाना है, लेकिन सर लोग हमसे काफ़ी प्रभावित रहते हैं, चूँकि सब जानते हैं कि यह गाता है और खुद की रचना और खुद की रचना सुनाता है, तो इस वजह से छात्र लोग भी मेरे जितने भी सहपाठी थे उसने भी अनुरोध किया, तो मैंने तुरंत उसी समय एक गीत लिखा और उसको गा दिया, वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत है। मैंने लिखा है कि कभी ज्ञान नहीं तो जीना क्या, कभी ज्ञान नहीं तो जीना क्या, अमृत है कभी ज्ञान जगत में, अमृत है कभी ज्ञान जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, कभी ज्ञान नहीं तो जीना क्या, कभी ज्ञान नहीं तो जीना क्या। और पहली पंक्ति है कि दिन कर है दिन कर इस युग के, वो सुधारक इस कलयुग के। दिनकर जी को अपने युग का उगता हुआ सूरज माना जाता है जी, बिल्कुल। तो उसी पे मैंने लिखा है कि दिनकर है दिनकर इस युग के, वो सुधारक इस कलयुग के, उनका ही गुणगान करूं मैं नित, उनका ही गुणगान करूं मैं नित, इसमें बरस महीना क्या, कभी ज्ञान नहीं तो जीना क्या, क्या बात है, कभी ज्ञान नहीं तो जीना। और दूसरी पंक्ति है, मैंने जो नेता अभिनेता जो होते हैं जी, उनके ऊपर मैंने एक टिप्पणी की है कि भ्रष्ट नेताओं के गुण जो गाते, देश खिलाफ जो राग सुनाते, भ्रष्ट नेताओं के जो गुण है गाते, देश खिलाफ जो राग सुनाते, विष का खान भरा वह व्यक्ति, विष के खान से भरा वह व्यक्ति, उसके सामने नगीना क्या, कभी ज्ञान नहीं तो जीना क्या, कभी ज्ञान नहीं तो जीना क्या। और चूंकि उस दिन उनका जयंती था तो मैंने एक पंक्ति इस पे भी लिखा है कि खुशी से उनका जन्मदिन मनाऊं, उनके वाणी पे मर मिट जाऊं, खुशी से उनका जन्मदिन मनाऊं, उनके वाणी पे मर मिट जाऊं, जो दिल उनको याद करे ना, जो दिल उनको याद करे ना, वो सीना भी सीना क्या, कभी ज्ञान नहीं तो जीना क्या, कभी ज्ञान नहीं तो जीना क्या। और अंतिम पंक्ति है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब ने यह कसम है खाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब ने यह कसम है खाई, दिनकर का गुणगान ना गाए तो, दिनकर का गुणगान ना गाए तो, काशी और मदीना क्या, कभी ज्ञान नहीं तो जीना क्या, कभी ज्ञान नहीं तो जीना क्या। हे राम जी, ये आपने जो इतनी अच्छी अच्छी सुंदर रचनाएं लिखी है, तो इसका शौक कब से हुआ आपको? जी, मैं बचपन से ही कविताओं का पाठ करता था जी, मैं बचपन से ही गाता हो जाता हूँ,
और चूंकि हिंदी का मैं बचपन से ही शौकीन हूँ तो कभी कभी ऐसे ही मन में शेर-ओ-शायरी का कुछ ख्याल आ गया तो उसी समय मैं लिख देता था, या फिर मैं प्रोफेशनली कुछ लिखता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी अचानक मेरे दिलो दिमाग में कुछ ख्याल आ जाता है तो उसको लिख देता हूँ, उसको अपने गीत के माध्यम से गा देता हूँ। बहुत सुंदर। केवी स्टूडियो की शुभकामनाएं हैं कि आप इसमें बहुत आगे जाएं, बहुत तरक्की करें। जी जी। हरे राम जी, अभी जो दिनकर यूनिवर्सिटी की जो मांग चल रही है उसको लेकर आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? देखिए, भविष्य की योजनाएं की अगर आप बात करें जी, तो बस एक ही है कि याचना नहीं अवरण होगा, याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या मरण होगा। रश्मि रथी के तृतीय सर की पंक्ति है जी। जब भगवान गए थे दुर्योधन से मांगने के लिए कि दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन परसी ना उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन क्या करता है, कुआ भी नहीं देता और भगवान को उल्टे धमकाता है, ये करता वो करता। तब भगवान ने यह कहा है कि याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या मरण होगा। हम लोग तो अभी सिर्फ मांग कर रहे हैं अपने तरीके से और न्यायिक मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने हमारी बात को नहीं सुना तो अब याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या मरण होगा। और बेगूसराय का युवा इसमें काफ़ी उत्साहित है, और जब बेगूसराय का युवा एक साथ एक जोश के साथ आएगा तो सत्ता के हर उस दुर्योधन का सिर कटेगा, चाहे उसके पक्ष में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य या महारथी कर्ण ही क्यों ना। क्या बात है, बहुत सुंदर जी। हरे राम जी, आप हमारे केवी स्टूडियो में आए जी, जी तो आपको कैसा लगा यहाँ आके? जी, केवी स्टूडियो में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी मैं आपका बहुत सारा वीडियो देखता रहता हूँ, और आप लोग जिस तरह से युवाओं की आवाज़ को उठाते हैं, हर मुद्दे पर उठाते हैं, उसके लिए आपका और रोशन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और केवी स्टूडियो के तरक्की के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि केवी स्टूडियो और अपने तरक्की पर जाए। हरे राम जी, हमारे केवी स्टूडियो में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम हरे राम कुमार है, मैं एक छात्र गणेश दत्त महाविद्यालय का छात्र हूँ। कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय कार्यक्रम देखने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें डॉक्टर रोशन कुमार, और इस पेज को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेगूसराय के प्रतिभाशाली, लोकप्रिय समाजसेवी, खेल प्रेमी, कला तथा प्रत्येक क्षेत्र के सफल व्यक्ति का साक्षात्कार देखने के लिए आप जुड़े हमारे फेसबुक ग्रुप पे, केवी स्टूडियो के फेसबुक ग्रुप पे, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी कामना है। कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय कार्यक्रम देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टार ऑफ बेगूसराय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ जुड़ें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।